हाय एवरीवन, ये मेरा तीसरा वीडियो है और जो मेरे चैनल को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए उसे। और अभी लॉकडाउन की परिस्थिति अभी नॉर्मल हो रही है अभी, लेकिन और जिनका है उनका ठीक है। अभी जिनके दो वैक्सीन हो गए वो जा रहे ट्रेन से, हमारा अभी बैलेंस है तो हो जाएगा। और इट्स ओके, थैंक्स उन लोगों के लिए जो मेरा चैनल देख रहे हैं। और अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें जो जामतारा करके एक एरिया है, शायद झारखंड है या कहीं है मुझे नहीं पता, तो वहाँ के जो है वो हैकर्स लोग सबसे ज़्यादा वही पॉपुलर है, वहीं से वो लोग टावर्स वगैरह का पूरा रैकेट है वहाँ पर, रैकेट नहीं बोलेंगे, वहाँ से टावर जाते हैं तो ये लोग पूरा अपना रैकेट चलाते हैं, वहीं से वो लोग हैकिंग वैकिंग जो भी है ऑनलाइन है सबको, बहुत लोगों को पता है, ये पता नहीं कि अपना कोई भी उसमें अपना भी कोई रिलेटिव्स हो, मैं ये नहीं कहती, मैंने उस तरफ के लोगों के लिए बोल रही हूँ जो उनको उनके केयर ऑफ है, तो ऐसा हो सकता है। तो ये जो है सुना हुआ, 2-3 बार पुलिस भी गई थी लेकिन उन लोगों ने कोई, यानी उन पुलिस वालों पर ही उन लोगों ने पत्थरबाजी वगैरह की, ऐसा मैंने सुना और देखा भी है। एक दो उनके ऊपर कुछ सीरियल्स भी बनी, एपिसोड बने, सीरियल तो नहीं एपिसोड बने, तो मैंने देखा था। तो अभी इन जैसे लोगों के लिए, वो जो एयरफोर्स के लोग रहते हैं ना, एयरफोर्स हमारी इंडियन एयरफोर्स, तो ऊपर से आना चाहिए उन लोगों के लिए और उन लोगों के ऊपर से अटैक करना चाहिए, ऐसे तो वो लोग मानेंगे नहीं। जब वो ऊपर पत्थर मारेंगे ही तो सीधे उनके ही मुँह पर आएंगे, यानी इनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। जो भी है, मैंने कितने लोगों के पैसे ऑनलाइन फ्रॉड की वजह से गए हैं और ये नहीं जाना चाहिए। और इसका मलाल तो रहेगा कि कुछ गलतियां हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, किसी पर कोई इस तरह का भरोसा करे और इस तरह का बैंक का नाम लेकर या फिर किसी कंपनी का नाम लेकर, जो भी भरोसे की कंपनी, भरोसे के बैंक्स रहे थे, तो जब हम बैंक्स में हम लोग जाते हैं तो वो लोग सीधा हाथ अलग कर देते हैं, कि बोलते हैं ये हमारा काम नहीं, पुलिस देखेंगे, इस तरह का वो लोग हाथ खड़ा कर देते, ये तुम्हारी गलती थी। हम लोग हर बार इंस्ट्रक्शन देते, लेकिन मेरी बात ये समझ में नहीं आती कि क्या कोई इनका टाइप रहता है क्या, बैंक वालों का कुछ टाइप रहता होगा इनका, कि ऐसे कैसे कि हमारे अकाउंट से पैसे चले जाते किसी और अकाउंट में और इनको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, सभी इन्फॉर्मेशन रहती है इन लोगों को, कुछ ना कुछ तो पता ही रहता है। इतनी बड़ी एक भी ऐसी बैंक नहीं होगी कि फ्रॉड नहीं हुआ होगा, अगर सारी बैंक्स मिलकर इस तरह के इस तरह का कोई कम्युनिटी बनाए, पुलिस लोगों का साथ दे, तो शायद बहुत लोग बच सकते हैं इस तरह का इस तरह के फ्रॉड से। लोगों के लाखों रुपए गए हैं, तो ये इस तरह के काम नहीं होना चाहिए। और जामतारा में क्या पता नहीं हमारे आजू बाजू में कोई ऐसा इंसान हो कि जो इस तरह का फ्रॉड करता हो, हमें पता ही नहीं रहता, हम किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, तो इस तरह का होता है। तो जो भी है, इस तरह के आप दूसरों के पैसे ऐड कर, इस तरह के घर बनाकर रह रहे हो, घर है तुम्हारे पास, गाड़ी होगी, तो ये जो डर रहेगा ना, वो तुम्हारे दिल में ऐसे धड़कता होगा, डर बन के दिल, कोई लहू बन के नहीं बहता होगा,
हमेशा तुम्हारे मन में डर रहेगा कि कोई पीछे से कॉलर ना पकड़ के वो खींचते हुए ना ले जाए पुलिस स्टेशन। तो ये इस तरह का है। तो जो भी है अपने अपने हिसाब से उन लोगों का सारा परिवार मिला रहता है, तो ठीक है, अच्छा है, अच्छे परिवार, अच्छे खानदान के लोग हैं लोग, यानी इस तरह के काम करते हैं लोग, खानदानी लोग हैं ये लोग, क्या बात है। इनके नाम, इनको तो नेशनल अवार्ड देना चाहिए। अभी ये है क्या, संजय अहिरवार, वो आरती अमय परब, इस तरह के मराठी लोग भी हैं। ऐसा नहीं कि इन लोगों का सब अटैचमेंट कमीशन रहता है, ये लोग अपना बैंक उनके उनको दे देते हैं, ये लोग पैसे निकालते हैं, बाकी का कमीशन लेके बाकी के पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ऐसा इनका प्रोसीजर रहता है। तो बैंक के अकाउंट के खाते भी खरीदे हुए रहते हैं इन लोगों के। तो इस तरह का, यानी मैं यहाँ मुंबई में, बैंगलोर में पैसे चले गए और वहाँ से कहाँ गए पता नहीं, वो अकाउंट तो उन लोगों ने सील कर लिया है, ठीक है। और बैंक की प्रोसीजर है, हम किसी के चेयर पे जाकर बैठकर तो अपना काम नहीं कर सकते, उनका प्रोसीजर वो खुद करेंगे। लेकिन इस तरह की जो ये चोरी हो रही है ऑनलाइन, तो न जाने टेक्निक बनाने वाला कौन होगा, जिसने अच्छे के लिए टेक्निक बनाई या गलत के लिए, ये तो ऊपर वाला ही जाने। लेकिन इतनी होशियारी अगर आप खुद के लिए यूज करते हो तो शायद आप न जाने कितने बड़े पोस्टिंग पे होते हैं। इस तरह के पैसे लेकर किसी के भी, मेरे नहीं, और न जाने कितने लोग होंगे, मैं ही नहीं हूँ, कई लोगों ने आत्महत्या कर डाली, वो सीरियल में देखा था मैंने, और की भी होगी, किसी के मेहनत की इतनी कमाई है, किसी के 90,000 जा रहे हैं, किसी के लाखों जा रहे हैं, किसी के कोई, मैंने पढ़ा था पिछले साल ही, किसी कोई एयरफोर्स में थे शायद, एयरफोर्स नहीं, लक्ष्य जो कमांडर थे, रिटायर कमांडर, उनको गाड़ी के लिए लोन दे रहे, ऐसा कुछ करके कम से कम 7 से 8 लाख रुपए उनके अकाउंट से उन्होंने डिडक्ट कर दिए। तो ये पढ़ा था मैंने, और ऐसे कितने आते ही हैं। लेकिन अभी मेरे हिसाब से तो अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या फिर अपना सोशल नेटवर्क है इतना स्ट्रांग है, तो शायद पुलिस गवर्नमेंट मिलके कोई अच्छा, बहुत लोगों को इन लोगों ने अरेस्ट भी किया है, लेकिन जो मेन है इनका वो अभी तक ये नहीं हुआ है। कई लोग पैसे जमा करते हैं, किसी को ज़रूरत रहती है पैसों की, तो इस तरह का जो सारी पैसे लेकर, आप दूसरों के पैसे लेकर इस तरह जो करते हैं आप लोग, तो ठीक है, आपके परिवार वाले आपका साथ देते होंगे, बहुत अच्छा साथ देते हैं आपका, क्या बात है। आने वाली पीढ़ी, जब आप कभी पकड़ जाओगे, जेल में रहोगे, तो पीढ़ियों, आपके आने वाली पीढ़ी को आगे वाले लोग बोलेंगे चोर के बच्चे जा रहे हैं, तो अच्छा लगेगा आपको, ये अवार्ड बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि उनके बच्चों की जिंदगी है सब सेटल हो गई होगी, और सारे नौजवान लोग रहे इस तरह का काम करते हैं, 16-15 साल के कितने ना जाने, तो ये सब मैंने देखा है, सुना है, बहुत बातें छप के भी आती है अखबार अगर कोई पढ़ता होगा तो। लेकिन ये जिन जिन लोगों के पैसे उनके अकाउंट से गए होंगे, वो जानते हैं कि इंसान कितना पैसे जमा करता है अपने अकाउंट में, शायद वक्त आने पर किसी को मांगना भी पड़ता है, कितना
मांगना भी पड़ता है और अपना कभी कभी उधार भी लेना पड़ता है। और इस तरह के जब अपनी जमा राशि कहीं इस तरह से चोरी हो जाए तो कैसा लगेगा। यही नहीं, नॉर्मल बातें सिर्फ चोरी की नहीं है, और न जाने कितने होते हैं, और इतना डिस्कशन मैं नहीं करना चाहती। लेकिन जो मैं इस तरह का जो हैकिंग का जो चलता है ना, ये यही से चलता है। अभी जिनका पैसा गया है, जिनको रिटर्न मिला है, तो ठीक है, मिले सबको रिटर्न मिले, मैं तो यही आशा करूँगी। लेकिन फिर भी इस तरह का ना हो किसी के साथ आगे। और जिन लोगों ने भी इस तरह का किया है, उनका तो अभी क्या बोलते हैं, बड़े कोई कोई लोग रहते बहुत। मैंने एक जगह कॉल भी किया था, वो नंबर्स में थे जो मिले थे, तो उस इंसान ने मुझे डायरेक्ट बोला था ऐसे, मेरे पास रिकॉर्डिंग थी लेकिन वो डिलीट हो गई। तो बोले कि हम बहुत सारे पूजा पाठ वाले लोग हैं, तो पूजा पाठ वाले लोग हो, इसके लिए तुम कुछ भी करोगे, गंगा में जाकर नहा लोगे तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। तुम गंगा को ही खराब करके आ रहे हो, गंगा नदी को खराब करके आ रहे हो, इस तरह का उसने कहा था मुझे। मेरे पास रिकॉर्डिंग रहती तो शायद मैं सुना देती। और उस वक्त मेरा फ़ोन इतना हैक हुआ था, मेरी सारी रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई थी, मेरा फ़ोन ही हैक हो चुका था। अगर वो रिकॉर्डिंग रहती तो शायद बाकी के जो भी मैंने रिकॉर्डिंग करके रखी है वो है। रो रही थी तो यानी इतना तुम लोग अपने आप पर और भगवान पर इतना ही विश्वास करते हो, और किस तरह का और चोरियां करते हो। वो तुम्हारे फ़ोन बंद आ जाओ, बंद हो जाते हैं तुम्हारे फ़ोन। इतने ईमानदार हो तो फ़ोन चालू रखो। तुम न जाने कितने लोगों के नाम से फ़ोन ले, उनका खुद का नाम ही उनका सामने नहीं रहता, किसी के भी नाम से वो लोग अपना नाम ऐड करके, किसी का आधार कार्ड लेके, किसी का पैन कार्ड लेकर, अपना फेक अकाउंट बनाकर, फेक नाम डालकर, सब कुछ फेक, कुछ ओरिजिनल नहीं। तो इस तरह का ये लोग करते हैं। और जितनी बातें ये वीडियो पर मैं बोल रही हूँ उससे ज़्यादा लोगों को पता है इसके बारे में, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं, क्योंकि जिसके साथ होता है, समाज है हमारा, हमारा सोशल नेटवर्क है कि इतना स्ट्रांग है कि क्या बताए। जिसका है ना वो देखे, कुछ खास लोग ही रहते अपने जिंदगी की में जिनके बारे में हम सोचते, मैं रहूँ या कोई और रहे, ऐसे होता है। तो इस तरह का है सब। बाकी ठीक है, थैंक्स फिर से, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको कुछ अच्छा लगे, लाइक कीजिए, कुछ सजेशन देना हो तो दीजिए। आपको शायद ज़्यादा, बहुत लोगों को ज़्यादा बहुत नॉलेज रहता है, मैं ये नहीं बोलती, जितना बहुत आजकल टेक्निक इतनी है कि जितना 15-16 साल के बच्चों को रहता है नॉलेज, उनके बड़ों को भी नहीं रहता। जब तक कोई चीज़ सर्च कर लेंगे वो लोग डाउनलोड करके देख भी लेते हैं, नहीं इतना लोग आगे जा चुके हैं। तो ठीक है, तो फिर भी सब्सक्राइब कीजिए चैनल, सब्सक्राइब मेरी गलती हो जाती है, मैंने सब्सक्राइब वर्ड है जो 5-10 मिनट का रिहर्सल किया था, फिर भी बराबर नहीं निकलता। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिए। इट्स माई लाइक एज यू विश। सो थैंक्स एंड बाय।